आमंत्रित कर रहा हूँ कि हमारे विकास गुप्ता जी आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बताएं। बड़ा अच्छा लग रहा है, हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, सोलर के बारे में बात करने जा रहे हैं। सोलर एज ए इंडस्ट्री, देखिए हर इंडस्ट्री की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, वो नई डेवलप करती है, फिर एक सडन स्टैंड स्टिल पे आ जाती है, उसके बाद वो एक एसिम्प्टोटिक जिसे कहते हैं ना, एक प्लेटो आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री कितने सालों तक ग्रो करती रहेगी? सबसे बड़ा, सबसे जो ल्यूक्रेटिव फेज होता है वो ग्रोथ इंडस्ट्री का होता है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए रेज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के दिमाग में या हम में से किसी के दिमाग में जब हम कोई नया वेंचर लेते हैं या नई चीज लेते हैं, ग्रोथ कितनी रहेगी वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। तो सोलर के साथ में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है, जैसे मुकेश जी ने कहा कि एक हमारे बहुत सारे चैलेंजेस थे जो आज अपॉर्चुनिटी बन गए। पॉपुलेशन एक थ्रेट लगता था, आज वो अपॉर्चुनिटी बन गया। एक्चुअली पावर भी हमारे लिए जो थ्रेट हुआ करता था, एक्चुअली आज अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं सोलर के थ्रू। और ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं, आप सबको समझ में आ गया है, ये इंडस्ट्री ह्यूजली ग्रो करेगी। आपको मैं दो तीन फिगर ऐसे दूंगा जिससे कि एक आप लोगों का जो थॉट है कि इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, एंटर करना चाहिए, वो बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा। एज ए कंट्री हम लोग वर्ल्ड एवरेज के 1/3 पर कैपिटा एनर्जी यूज पर हैं। मतलब दुनिया का जो एवरेज है, जितना वो एनर्जी यूज होता है पर पर्सन, हमारे यहाँ उसकी 1/3 होती है, जबकि हैं हम विकासशील देशों में सबसे आगे, लेकिन फिर भी हम इतना नीचे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी और एग्रीकल्चरल बेस्ड या हमारे और आप एंटरप्रेन्योरशिप कह लीजिए, जो कि हमें सस्टेन कर रहा है, हमारी इकोनॉमी को आगे ले जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, और हम रियलाइज कर रहे हैं दैट इज वन ऑफ नॉट आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उस एरिया में अगर हमें जब काम करना है तो सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए होगी? प्रोबेबली जमीन, लैंड, मैन पावर। इसके बाद तीसरी चीज हमें जो जरूरत पड़ने वाली है, पावर है। और पावर सोर्सेस हमारे पास में या तो है नहीं, और जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं। और एक सोर्स है वो इतना रिन्यूएबल है और उसकी अनलिमिटेड है, मतलब हम लोग के लाइफ टाइम में शायद उसमें जरा सा भी डिके नहीं होगा। तो ऐसे सोर्स के लिए जो है सोलर जो हम बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल के और भी सोर्स हैं, विंड पावर है आपका, वाटर हाइड्रल रिसोर्स है, बट मोस्ट ऑफ दीज रिसोर्सेज हैव गॉट देयर ओन इश्यूज। हम देख चुके हैं कि हाइड्रल के लिए मैं थोड़ा 2 मिनट ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि थोड़ा सा एक सोलर का मैं ये और स्ट्रेंथन करना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ आए हैं, सर्टेन इंटरेस्ट तो है ही सोलर का, लेकिन मैं उसको रिइंफोर्स करना चाह रहा हूँ कि सोलर एक बहुत बढ़िया पाथ है जो आप लोगों ने सोचा है लेने का। तो हाइड्रल की वजह से जो हमने बड़े बड़े डैम्स लगाते थे, वो चीज़ रियलाइज हो रही है कि उसकी वजह से बहुत सारे जियोलॉजिकल इश्यूज आते थे, अर्थक्वेक्स आने शुरू हो गए। अगर आप ध्यान दें तो पिछले 10-12 सालों से कोई भी बड़ा डैम प्रोजेक्ट, मोर देन दैट, इनफैक्ट एक डिस्कशन अभी चल रहा है हम लोगों का, वेयर इन वी आर प्लानिंग टू हैव 1.1 मेगावाट फॉर अ वेरी लार्ज फैक्ट्री इन कानपुर। 1.1 मेगावाट आप सोच सकते हैं, इट्स अ ह्यूज वन। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स हम सब लोगों ने देखी होंगी कि स्ट्रीट लाइट्स हैं जो कि सोलर से चलती हैं, उसमें आपको पावर कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं है, उन स्ट्रीट लाइट्स में बैटरी अटैच्ड होती है, दिन के टाइम सोलर पावर जनरेट होती है, बैटरी चार्ज होती हैं, और जब रात हो जाती है या डे लाइट चली जाती है उसके बाद उसी बैटरी से जो कि सोलर से चार्ज हुई थी, उसी बैटरी से आप स्ट्रीट लाइट रात भर चलती है। सोलर वाटर पंप्स, और सोलर वाटर पंप्स की जो पावर है जो आप कह सकते हैं, उसको गवर्नमेंट ने और फर्दर रियलाइज करा है। तो एक कुसुम स्कीम लॉन्च हो रही है, आप सब लोगों ने सुना होगा, जिसमें सोलर पावर से जो ये सोलर जो वाटर पंप चल रहे हैं उनकी जो अनयूज्ड सोलर पावर है दैट कैन बी फेडबैक इनटू द ग्रिड। अभी तक क्या होता था, आपने सोलर वाटर पंप लगाया, वो तो जिस टाइम आपको इरीगेशन करनी थी तो उस समय तो आपको वो यूज रही पावर, लेकिन जिस टाइम पे इरीगेशन नहीं होती थी उस टाइम क्या होता था, उस टाइम वो पावर बेकार जाती थी। वो बात दूसरी है कि क्योंकि अदरवाइज आप डीजल से चलाएंगे तो वो वायबिलिटी बहुत अच्छी आती थी, लेकिन वाई वेस्ट अ सर्टेन पावर व्हेन यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड अ सिस्टम। तो व्हाट गवर्नमेंट इज हैव वर्कड आउट, और अभी चल रहा है, गाइडलाइंस और पॉलिसीज बन रही है, उसकी पूरी तरीके से अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, उसमें दैट एक्स्ट्रा पावर फ्रॉम द सोलर वाटर पंप्स इन रूरल एरियाज कैन बी फेड बैक इनटू द ग्रिड एंड द ओनर्स विल गेट मनी
फॉर द पावर दे गिव बैक। सोलर माइक्रोग्रिड्स, ये भी सोलर पावर प्लांट का एक डिफरेंट फॉर्म है। हम लोग रूरल एरिया की बात करते हैं, रूरल एरिया में ग्रिड लाइंस तो पहुंच गई हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमने 80% 85% विलेजेस कवर कर लिए, पर क्या वाकई वहां पावर पहुंच रही है या हम पहुंचा पा रहे हैं? नहीं, हमारे पास शायद उतनी पावर नहीं है कि हम वहां पर वो पावर सप्लाई कर पाए। सेकंड, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आप मेक इन इंडिया में जाएंगे, आप जितने भी अगर हम देखें जो वेरियस इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट की, वो सब पावर ओरिएंटेड है। आप मेक इंडिया ले लीजिए, वो तो होनी है, उसमें तो पावर चाहिए ही आपको। आप स्वच्छ भारत लेते हैं तो यू नीड वाटर, आपको उसके लिए पावर चाहिए। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, उसमें वेरियस जो सिस्टम्स हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हों या प्रिंटर्स हों, जो भी हों, वो सब पावर से चलेंगे, उसके लिए आपको चाहिए। एजुकेशन फॉर ऑल, वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्कूल विच विल हैव पावर, वेयर इन द स्टूडेंट्स वुड रियली लाइक टू गो देयर एंड स्टडी। तो हर चीज में हमें पावर चाहिए। तो जब हमें पावर अभी कम पड़ने वाली है, तो हम रूरल एरियाज को जो पावर दे रहे हैं प्रॉब्ली फिर नहीं दे पाएंगे। एंड दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कीपिंग द पॉलिटिकल प्रोमिसेज असाइड, हम जो चाहते हैं एज ए पॉलिटिकली वो अलग चीज है, पर हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास पावर नहीं है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोलर है, और सोलर के साथ में सबसे अच्छी एडवांटेज क्या है? आप जनरेट करिए और वहीं यूज करिए। उससे ना ही सिर्फ आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, जिनको हम कहते हैं, हमारे यहाँ जब पावर जहाँ जनरेट होती है वहां से जहां तक पहुंचती है, वहां तक ऑलमोस्ट 30-35% पावर लॉसेज होते हैं। अर्बन एरियाज में कम होते हैं, रूरल एरियाज में जहाँ डिस्टेंसेज बहुत लंबी होती हैं वहां पे अप टू 35-40% तक जाता है। तो जब 30-35% पावर लॉस की बात कर रहे हैं थ्रू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज, देन उसी जगह पे पावर जनरेट करके यूज करने में आप सोचिए कि 35% बेनिफिट तो स्टेट अवे आ गया, वायबिलिटी जो है 35% बढ़ जाती है। तो सोलर माइक्रोग्रिड इज वेरी यूजफुल इन दो सिनेरियोज वेयर यू कैन जनरेट इट लोकली एंड यूज इट। सोलर पावर्ड व्हीकल्स, ये एक और फ्यूचर है, इसको सुनो लेटर वी शुड एड टू व्हाट इट हैज बीन प्रॉमिस्ड कि बाय 2050 वी विल मूव टू 100% इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हीकल्स। वो मोस्ट प्रॉब्ली उसमें लार्ज चंक ऑफ देम विल बी सोलर पावर्ड व्हीकल्स। उसकी उसके लिए आप कहेंगे रूफ पे कैसे आएगी? क्या फ्लैट रहेगा कार के ऊपर? एक फ्लैट रूफ लगेगी तो क्या अजीब लगेगा ना? क्या हो जाएगा वाकई? ई रिक्शा चलिए, हम सब मानते हैं ई रिक्शा के ऊपर एक फ्लैट रूफ होती है, उसके ऊपर आपने पैनल लगा दिया, वो अपने आप में एक शेड भी बन गया और उसको आपने यूज कर लिया। पर कार के ऊपर अगर हम कहें कि एक फ्लैट रूफ लगाएंगे तो अच्छा लगेगा? पर हर तरीके के सोल्यूशन बन रहे हैं। आपका ऐसा फ्लैट जैसे कारपेट जैसा होता है ना, होज पाइप्स कि आप उसे रोल कर लीजिए, वैसे सोलर पैनल्स आ रहे हैं, उसके आगे ही बढ़ रहे हैं लोग। लोग रोड्स के ऊपर पेंट कर रहे हैं जो कि सोलर, जिससे सोलर पावर जनरेट होगी। तो अब क्या हुआ, आपने जो वो रूफ है कार की या व्हीकल की, उसके ऊपर एक लेयर बिछा दी और उसी से आपकी सोलर पावर जनरेट होगी। इट विल नॉट डिस्टर्ब द एस्थेटिक्स और लुक्स ऑफ योर कार ऑफ एनी ऑफ योर व्हीकल्स। सो वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। सोलर वाटर हीटर्स इज अनदर वन। अब सूरज में दो पार्ट्स हैं, एक तो रोशनी आती है और एक हीट आती है। हम लोग ज़्यादातर जो बात करते हैं वो या तो रोशनी की करते हैं, और अगर हीट की करते हैं तो सोलर वाटर हीटर जो हम लोग के घरों के ऊपर या कुछ एंटरप्राइजेस के ऊपर लगे होते हैं। बट हम सब लोगों ने छोटे में लेंस से कागज़ जरूर जलाया होता है। यहाँ ऐसा कोई है जिसने लेंस से कागज़ नहीं जलाया कभी छोटे में? हाँ, सबने जलाया होगा। वो कॉन्सेप्ट है कंसेंट्रेटेड हीट का। आप पेपर को धूप के नीचे रख लीजिए, क्या जलेगा? नहीं जलेगा। लेकिन आप लेंस के नीचे रखते हैं तो जल जाता है, क्योंकि आप लाइट को कंसंट्रेट करते हैं। लाइट को कंसंट्रेट नहीं करते हैं आप, एक्चुअली हीट को कंसंट्रेट करते हैं। तो दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल। और जो सोलर वाटर हीटर, इसका मैं आपको एक कंपैरिजन दे सकता हूं। सोलर वाटर हीटर में जो टेम्परेचर पहुंचता है मैक्सिमम, वो 80-90 degrees पहुंचता है, वेयर एज कंसंट्रेटेड जब हम कर लेते हैं, एंड आई विल गिव यू, आई विल शो यू वन ऑफ द इमेजेस अबाउट कंसेंट्रेटेड सोलर थर्मल, उसमें टेम्परेचर 350-400 degrees तक पहुंच जाता है। नेचुरली आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, बहुत नए तरीके की एप्लीकेशंस कवर हो जाती हैं। वरना 80-90 degrees पे आप क्या कर सकते थे? मैक्सिमम घरों में यूज कर सकते हैं, होटल में यूज कर सकते हैं, कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं,
इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, आप कुकिंग में भी एक लिमिट तक कर सकते हैं, बॉइलिंग नहीं कर सकते आप कुकिंग में जब आप 80-90 डिग्री पर हैं, लेकिन जब आपको 350 डिग्री 400 डिग्री मिल रहा है तो ना ही सिर्फ आप कुकिंग कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी जा सकते हैं जहां पे आपको टेम्परेचर 250 डिग्री 300 डिग्री चाहिए। बेकरीज में इसका बड़ा यूज़ है, जहां पे आपको हॉट एयर चाहिए टू सर्कुलेशन, जिससे कि आप बेक कर सकें। कुछ एडवांटेजेस मैं सोलर पावर की आपसे शेयर करूंगा। जैसे हमने बात करी अभी, इंस्टॉलेशन उसी साइट पर है जहां आपको यूज करना है, वहीं पे इंस्टॉलेशन हो जाती है, तो आपका कोई ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज नहीं है। रूरल एरिया में इसका एक और एडवांटेज है, नॉर्मली क्या है, आज आपका रूरल एरिया में पावर सप्लाई करने का मतलब है सोशल सर्विस सॉर्ट ऑफ। वहां पे रूरल एरिया में मोस्ट ऑफ द जो एक्सपेक्टेशन ये है कि आप पावर आएगी हमें फ्री में यूज करनी है, लेकिन जब सोलर यूनिट लग जाता है, जहां जहां लगा है, लोगों ने रियलाइज करा है कि ये हमारे एरिया के लिए लगा है, हमें रेगुलर पावर मिलती है, तो ऐसा है कि लेट अस बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड लेट्स स्टार्ट यूजिंग दिस। कि हमें 8 घंटे 12 घंटे पावर ना मिले कोई बात नहीं, 24 घंटे पावर मिलेगी कोई बात नहीं, इट विल कम एट ए कॉस्ट, वी आर रेडी टू टेक दैट। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है लोगों की, कोई मेंटेनेंस नहीं होती, आपको सिर्फ एक तरीके से धुलाई करनी है सोलर पैनल्स की, रेस्ट दो मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। ऑपरेशंस जो हमने ग्रिड से कनेक्ट किया उसको, आई थिंक हर्षित बिजनेस मॉडल्स शेयर करेंगे जिसमें वेरियस पॉसिबिलिटीज बताएंगे सोलर की। और जैसे एक पॉसिबिलिटी है जो अब इंडिया में बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो रही है, जिसमें है कि एक्सेस पावर जो आप यूज नहीं कर रहे हैं उसको आप ग्रिड में फीड कर सकते हैं, और जब आप फीड कर रहे हैं उसमें ग्रिड में, तो यू कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ वॉट इज यू आर टेकिंग फ्रॉम द ग्रिड और नॉट। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कोची एयरपोर्ट का, कि हमने पावर जनरेट करी ग्रिड में दी, बाद में हमने उनसे ली, लेकिन हमने एक्सेस पावर दे रखी है, हम डिपेंडेंट नहीं है, इन अ वे हम डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, हमने बैटरी बैंक नहीं ला रखा है, ग्रिड हमारा बैटरी बैंक बन जाता है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, सोलर पावर प्लांट्स है जैसे, अब सोलर पावर प्लांट्स में वेरियस सोल्यूशन हैं। एक सोल्यूशन है जिसमें आप ग्रिड से कनेक्ट करते हैं, एक्सेस पावर ग्रिड में फीड करते हैं, लेकिन दूसरा सोल्यूशन है जिसमें आप ग्रिड से कनेक्ट नहीं करते। ये ज़्यादातर छोटे प्लांट्स में लग सकता है, क्योंकि जो बैटरी बेस्ड हैं, जो बैटरीज हैं, चाहे वो आज की डेट में लेड एसिड हैं, लेकिन बाद में जब लिथियम आयन भी आ जाएंगी, वो बहुत बड़ा बैटरी बैंक आप नहीं रख सकते हैं, ना ही सिर्फ वो बहुत कॉस्टली रहेगा, बल्कि उसको मैनेज करना, उसके लिए जगह बनाना भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो उसकी वजह से आप बियॉन्ड अ पॉइंट बैटरी बैंक नहीं लगा सकते। तो जो छोटे यूनिट्स हैं या मीडियम साइज यूनिट्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, मीडियम साइज हॉस्पिटल्स, स्कूल्स वगैरह हैं, वहाँ पे आप ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस काफ़ी यूजफुल हैं। लेकिन अब तीसरा सॉल्यूशन आ रहा है विच इज़ हाइब्रिड सॉल्यूशन, ये इंडिया के लिए बड़ा यूजफुल है, जिसमें आप ग्रिड को भी वापस सप्लाई दे सकें और अपने पास भी एज ए बैटरी सेव कर सकें, जिससे कि जब पावर चली जाए तो आप उसे एज ए बैकअप यूज कर सकें। ये दोनों पॉसिबिलिटीज उसमें हैं। बेसिकली सोलर तीन वेव में आती है इस समय, आप समझिए पहली वेव आ रही है, पहली वेव है पैनल्स की, क्योंकि जो सबसे बड़ी, जो सबसे मेन कंपोनेंट है सोलर का वो है पैनल। तो जो सबसे पहली वेव आई टेक्नोलॉजी की वो आई सोलर पैनल की, जो नेक्स्ट वेव आएगी वो आएगी सोलर बैटरी की। अब हम बात, अभी हमने बात करी थी कि लेड एसिड बैटरीज हैं, लेड एसिड से लिथियम आयन, इसके आगे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं वर्ल्ड में डेवलप हो चुकी हैं या डेवलप हो रही हैं, सूना और लेटर वो आपके पास आएंगी। तो प्रॉब्ली अगले 5-7 साल में आप देखेंगे कि आज सोलर पावर में जहां पे 90% बैटरीज लेड एसिड यूज होती हैं, शायद 10% भी नहीं रह जाएंगी। वी विल बी यूजिंग टेक्नोलॉजीज जिसे कहते हैं लिथियम आयन, लाइफपो, लाइफपो का मतलब है लिथियम फेरस फॉस्फेट, इससे बैटरीज बन रही हैं। और इसके आगे भी एक टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको हम फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी का आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पिछले 50 सालों से जो स्पेस सैटेलाइट्स हैं उसमें ये स्टोरेज सॉल्यूशन यूज होते हैं। आप स्पेस में लेड एसिड नहीं भेज सकते, लिथियम आयन भी उनके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत कंबरसम हो जाएगा, उसकी भी अपनी एक लाइफ है। आप स्पेस में सैटेलाइट्स भेजते हैं जो पूरा सोलर सिस्टम क्रॉस करता है, 50 साल 60 साल तक उसे उसकी लाइफ होनी चाहिए।
तो ऐसे के लिए आप लिथियम आयन भी नहीं यूज कर सकते, तो दे हैव बीन यूजिंग जिसको हम फ्यूल सेल कहते हैं वो यूज करते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जब सोलर पे आ रही है, एक बार फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम बड़े बड़े पावर प्लांट्स में भी स्टोरेज का रख सकते हैं और हम ग्रिड विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ यू, डेट यू डोंट हैव टू यूज इट इमीडिएटली। आज ये है कि आप सोलर पावर जनरेट करिए उसको इमीडिएटली यूज कर लीजिए, ये एक एक्चुअली लिमिटेशन है। लिमिटेशन इसलिए है क्योंकि आपको सोलर पावर के जनरेशन पे कंट्रोल नहीं है। सोलर पावर का जनरेशन इस पे डिपेंडेंट करता है कि सूरत से उस समय आपके पैनल पे लाइट कितनी गिर रही है, कितना इरेडियंस है, जैसे हम कहते हैं इरेडियंस है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सूरज अपने टाइम पे उगेगा, अपने टाइम पे पीक पे पहुंचेगा और अपने टाइम पे सूर्यास्त हो जाएगा, तो आपके कंट्रोल में नहीं है। या तो आप वो एनर्जी छोड़ दीजिए तो वेस्ट हो गया वो अपॉर्चुनिटी, या आप उसको जनरेट करिए तो यूज मत करिए। तो दोनों ही सिचुएशन में द बेस्ट थिंग शुड बी कि आप उसको पूरी तरीके से यूज कर पाए, नहीं कर पाए तो स्टोरेज कर लीजिए। तो लार्ज फार्म्स हैं वो आज ग्रिड कनेक्टेड होते हैं, जितनी जनरेट होती है और जितना ग्रिड से रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी जनरेट करते हैं और ग्रिड में फीड करते हैं, बाकी वो जनरेट ही नहीं करते। तो विद दिस स्टोरेज ऑफ नेक्स्ट वेव जो आएगी वो स्टोरेज सॉल्यूशंस की आएगी, और जो तीसरी वेव आएगी वो आएगी सोलर एप्लीकेशंस की। और मैं ये जो वेव की बात कर रहा हूँ ये टाइम फ्रेम आप 20 से 25 साल मान के चलिए या उससे ज्यादा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सोलर का कितना लॉन्ग टर्म स्कोप है अगर हम उस चीज में इस इंडस्ट्री में आए और इस इंडस्ट्री के साथ में चले। मैं 4 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि 4 साल पहले जब इस इंडस्ट्री में मैं एंटर हुआ और आज के बीच में मैं अपने आप को बहुत मतलब एक से इवॉल्व मानता हूँ। फ्यूल सेल की आज हम बात कर रहे हैं, हमारे पास फ्यूल सेल नहीं है बट इंटरेक्टिंग विद अदर्स कई सारे टेक्नोलॉजी के लोग हैं, ऑब्वियसली वो बड़े शहरों में हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हुए मैंने सीखा है। इस इंडस्ट्री में सीखने को बहुत कुछ है, आगे बढ़ने को बहुत कुछ है। मैं 25 साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद सोलर का अपना वेंचर स्टार्ट किया और मैंने पूरा अपना टेन्योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टेलीकॉम में बिताया है। मैं 2001 से 2010 तक रिलायंस कम्युनिकेशन में था, मैं वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस हेड करता था नेशनली। तो वो सब चीज़ छोड़ के जब मैं आया तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने सोलर जैसी इंडस्ट्री पिकअप करी, क्योंकि ये इंडस्ट्री ना ही सिर्फ ग्रोइंग इंडस्ट्री है बस बल्कि इस इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को है। तो आई थिंक 50 ईयर्स की एज में एक एंटरप्रेन्योर बढ़ने के बाद भी मतलब आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि मैं अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे हमने बात करी इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, आप स्कूल्स ऑफिसेज कोई भी जगह ले लीजिए जहाँ आपकी पावर यूज होती है वहाँ पे सोलर पावर एप्लीकेबल है, सोलर पावर प्लांट्स एप्लीकेबल हैं। वाटर पंप के साथ में बड़ी लिमिटेशन होती है कि वो कंटिन्यूसली आपकी ज़रूरत नहीं होती, तो या तो आप बिजली का कनेक्शन लीजिए और उसको आधे टाइम यूज़ मत करिए तो उसकी फिक्स डिमांड कौन पे करेगा। उस इसके रहते हुए लोग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं लेते हैं, लोग जब भी जरूरत पड़ती है तो डीजी सेट मंगवा लेते हैं हायर पे रेंट पे और उसको यूज़ करते हैं। नेचुरली डीजल जब यूज़ करते हैं तो ना ही सिर्फ वो बहुत कॉस्टली पड़ता है बल्कि पॉल्यूटिंग भी होता है। सबसे बढ़िया सोल्यूशन है सोलर का। अब इसमें एक लिमिटेशन है, इसमें वही लिमिटेशन है, हमें साल में 6 महीने चाहिए, हम पैनल लगा के छोड़ें उससे क्या फ़ायदा होगा। तो इसके 2 सोल्यूशन आए, एक सोल्यूशन जो गवर्नमेंट निकाल रही है जिस टाइम पे आप नहीं यूज़ कर रहे हैं सोलर पावर उसमें से जनरेट होती हुई आप ग्रिड में फीड कर दीजिए। और सेकंड एडवांटेज, सेकंड जो अभी वर्क चल रहा है आप लोग भी शायद अवेयर होंगे वो है मोबाइल सोलर यूनिट्स का, क्योंकि पैनल आप फील्ड में लगा के छोड़ नहीं सकते, इट इज़ नॉट वेरी सेफ, तो आप उसको एक स्मॉल व्हीकल पे ऐसे है कि ट्रैक्टर ट्रॉली हो गई या छोटे ट्रॉली पे वो इंस्टॉल किया जा सकता है फोल्डेबल फॉर्म में। तो आपने फोल्ड कर लिया, एक छोटी सी ट्रॉली पे ले गए आप उसको और वहां पे ओपन अप कर लिया। दीज आर ऑल्सो बींग कॉल्ड सोलर फ्लावर्स, कि फूल की तरह खुल जाएगा, पावर जनरेट करेगा, आपको जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप उसको फोल्ड करिए और वापस ले आइए। सोलर स्ट्रीट लाइट्स तो हम सब लोगों ने ज़्यादातर आप लोगों ने देखी ही होंगी, कहीं ना कहीं इसका आपने सोलर स्ट्रीट लाइट देखी हैं, रूरल एरियाज में बहुत लगी हुई हैं, अर्बन एरियाज में कुछ लोकेशन पर लगी हैं जहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं लग पाता है, बिकॉज जहाँ तार पहुँच रहा है वहाँ इट्स बेटर नॉट टू यूज सोलर स्ट्रीट लाइट्स। ऐसा क्यों? अभी हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं कि सोलर अपने आप में एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है, लेकिन जहाँ पे आपका ग्रिड लाइन वेल कनेक्टेड है वहाँ पे अब ये रिकमेंडेशन है कि सोलर स्ट्रीट लाइट नहीं यूज होनी चाहिए।
मैं आपको ये पर्सपेक्टिव इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सोलर के अपने एप्लीकेशन हैं, बहुत एप्लीकेशन हैं, और जरूरी नहीं है कि हम लालची बन जाएं और उन जगहों पर भी सोलर का यूज करने लगे जहां पे वो वायबिलिटी नहीं है। सोलर स्ट्रीट लाइट इन अर्बन एरियाज इज वन एग्जांपल। शुरू में थोड़ा गवर्नमेंट जब सोलर स्ट्रीट लाइट्स पे गई, उसको रूरल एरियाज में लगाया, तो ये दिमाग में आया इसको अर्बन एरियाज में भी लगाते हैं, लगाना शुरू करा। बट इट वॉज वेरी सून रियलाइज कि अर्बन एरियाज में जहां पे आपका लाइटिंग के लिए वायर रन करता है, वहां पे सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाना एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो सोलर स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो डीसी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, और उसमें आप बैटरी लगाइए, तो अब एक छोटी सी बैटरी लगाइए, उसके लिए अलग से पैनल की जगह बनाइए। इससे बढ़िया आप उन जितनी आप स्ट्रीट लाइट लगाना चाहते हैं उन सब की एक एक कॉमन सोलर पावर प्लांट लगा लीजिए और ग्रिड में फीड कर दीजिए। दैट इज अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ यूजिंग दोज पैनल्स एंड दोज बैटरीज। सोलर वाटर हीटिंग, आई थिंक ये हम ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं, मैं थोड़ा सा ही ये इसका बोल देता हूँ। ये जो सोलर वाटर हीटर्स हैं हमारे, ये दो फॉर्म के होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ऊपर है जिसको हम इवैक्यूएटेड ट्यूब कहते हैं, दीज आर कॉल्ड ईटीसी, और नीचे है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, तो इट इज कॉल्ड एफपीसी। तो दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, दिस इज लेस कॉस्टली, बट जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस भी इसमें नहीं होती है, ब्रेकेज के चांसेस कम होते हैं। तो और नेचुरली आपको पूरी एक तरीके से जो बीइंग अ कंप्लीट ग्लास, इसके नीचे आपका कलेक्टर होता है, हीट कलेक्टर होता है जो आपको उसको वाटर को हीट करता है, तो दिस इज मोर एफिशिएंट। इसमें हम 60-95 डिग्री तक ही पहुंच पाते हैं, इससे ऊपर हम नहीं जा पाते हैं। और इसमें एडवांटेज क्या होती है, ये हार्ड वाटर या क्लोरिनेटेड वाटर के साथ में भी ये काम कर सकता है, और इसी की वजह से सोलर वाटर हीटर्स बहुत कॉमनली यूज्ड हुए। लेकिन पहाड़ों पे ये ज़्यादा यूजफुल रहता है, प्लेन्स में हमने इनको यूज़ किया है लेकिन नॉट विद एज मच कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्योंकि जब हमें गर्म पानी चाहिए होता है जाड़ों में उस समय हीट नहीं होती, और जब पानी गर्म हो जाता है अपने आप टंकी में भी गर्म हो जाता है, टैंक वाटर टैंक में गर्म हो जाता है, उस समय हमें गर्म पानी चाहिए नहीं, तो उसकी वजह से जो है हम तो चाहते हैं कि जो वाटर टैंक से आता है वो ठंडा हो जाए, उस समय सोलर वाटर हीटर का क्या यूज़ रहेगा। कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहां पे आपको वेरी हाई टेम्परेचर के वाटर का यूज है, वहां बस यूज होता है इसका। लेकिन मैं अब आपको एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में शेयर करना चाहूंगा। ये टेक्नोलॉजी इंडिया पहुंच चुकी है, इसके अराउंड 92 प्रोजेक्ट्स इंडिया में अभी तक लग चुके हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था लेंस से कागज जलाने वाला, ये वही है। तो अगर आप देखें तो दिस इज ये, इसको कहते हैं पैराबोलिक ट्रॉफ, ये एक पैराबोलिक चैनल है जिसके सेंटर में आप एक पाइप देख रहे हैं। पैराबोली की ये बड़ी खासियत है, आप एक बार उसके फोकस, जितनी भी लाइट्स उससे आएंगी कहीं से भी आएंगी वो सारी उसके फोकस पे कंसेंट्रेट होती हैं। ये फीचर का यहाँ एडवांटेज उठाया जाता है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इसकी जो हाइट है ये 6 मीटर या 12 मीटर होती है। अब 12 मीटर की हाइट पे जो पाइप है बीच में, ये पाइप रफली 4 सेंटीमीटर का है, तो आप समझ सकते हैं कि 12 मीटर की हीट को आप 4 सेंटीमीटर में कंसंट्रेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 150 टाइम्स, तो जब आप सॉरी 300 टाइम्स आप कंसंट्रेट करेंगे तो नेचुरली आपको जो टेम्परेचर आपके पास पहुंच सकता है वो बहुत हाई पहुंच सकता है। तो इस केस में 350-400 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो इसकी एप्लीकेशन बढ़ जाती है। बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसके लिए आपको 250 डिग्री 300 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। इस पाइप के अंदर थर्मिक फ्लूइड रन होता है, दोनों एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन है जिसमें आप उस पाइप के अंदर ही आप स्टीम जनरेट कर लेते हैं, वाटर रन करते हैं, वो स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम आगे आके आप यूज करते हैं, बट उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, बिकॉज स्टीम का अंदर जो है आपको बहुत ज्यादा वॉल्यूम रन करना पड़ता है। तो इसका जो अल्टरनेट है कहीं पे यूज होता है, जैसे अब आप सोलर कुकिंग कर रहे हैं तो आप सीधे स्टीम जनरेट करते हैं, तो सीधे स्टीम को आप यूज कर लेते हैं फॉर कुकिंग। कुछ और एप्लीकेशंस हैं जहां पे आप स्टीम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, वहां पे सीधे स्टीम जनरेट करी जाती है। एक कानपुर में एक डिस्कशन चल रहा है हम लोगों का, दैट इज फॉर डाइंग यूनिट। डाइंग में स्टीम बहुत डायरेक्टली यूज होती है, बोथ फॉर द कलरिंग एंड वॉशिंग, या फैब्रिक को सॉफ्ट करने के लिए भी, तो वहां पे हम स्टीम डायरेक्टली स्टीम जनरेट कर रहे हैं उसको। लेकिन
इसके अलावा जहां पे हमारी लिमिटेशन है कि हम स्टीम के आगे भी हम जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि स्टीम एज यू गो एट अ हायर टेम्परेचर ऑफ स्टीम योर हीट लॉसेज इंक्रीज, तो उस केस में थर्मिक फ्लूइड होता है विच कैन गो अप टू विच हैज गॉट अ वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, 800-900 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप उस फ्लूइड को यूज करते हैं, वो फ्लूइड फ्लो करता है इस पाइप में से हीट एब्जॉर्ब करके, वो जाके हीट एक्सचेंजर में जाता है और उस हीट एक्सचेंजर में आप उस हीट से आगे जो भी जनरेट करना चाहते हैं, चाहे वो स्टीम जनरेट करना चाहें, चाहे आप वाटर जनरेट करना चाहें, चाहे आप एक ऑयल आगे का एयर इन केस ऑफ बेकरी आप उसकी हॉट एयर उसमें से जनरेट करना चाहें, आप उस हीट एक्सचेंजर से हीट जिस मीडियम में भी ट्रांसफर करना है ट्रांसफर करिए और उसको इंडस्ट्री में यूज कर लीजिए। सो दिस बिकम्स एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी बट इट हैज गॉट टू वेरी बिग लिमिटेशंस। इलेक्ट्रिसिटी आप स्टोर कर सकते हैं बैटरी फॉर्म में और आप उसको ट्रांसफर भी बहुत मुश्किल नहीं है, उसको ग्रिड में ट्रांसफर करके आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हीट के साथ में ये दोनों लिमिटेशन है, हीट स्टोर करना इज अ डिफिकल्ट, हीट लॉसेज आप कितना बड़ा टैंक बनाएंगे, चाहे थर्मिक फ्लूइड भी यूज कर लीजिए लेकिन आप एक लिमिट होती है टैंक बनाने की। सेकेंड, एज सून एज यू स्टार्ट ट्रांसमिटिंग द हॉट फ्लूइड, चाहे वो थर्मिक फ्लूइड करें चाहे स्टीम करें, आपके हीट लॉसेज बहुत होते हैं या आपकी उसकी इंसुलेशन पे कॉस्ट बहुत आती है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। इसकी वजह से व्हेन इट कम्स टू कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल उसके एप्लीकेशंस लोकेशनल हैं, उसी लोकेशन पे आप उसको हीट जनरेट करिए और उसको यूज करिए। लेकिन इसके रहते हमारा बहुत एडवांटेजेस हैं, हमारे आज बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हैं जहाँ पे हम डीजल बेस्ड हीट जनरेट करते हैं, उन एप्लीकेशंस में सोलर थर्मल कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल यूज करने से हमें ऑलमोस्ट 3-4 साल के अंदर पूरा पैसा रिकवर हो जाता है। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग देखेंगे इसमें जो हम लोग बात करेंगे, हमने बात तो करी सोलर बहुत यूजफुल है, अब सोलर हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, कुछ चीज़ें मैं रिकाउंट कर देता हूँ। एक्चुअली अगर कहा जाए तो सोलर से हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोचते हैं कि पावर से हो जाएगा, क्योंकि सोलर तो पावर है। अब जैसे एक बार हमने पावर जनरेट कर दी तो उसको हमने घरों में सप्लाई कर दी, उसको हमने वेरियस लोकेशंस पे, ये हम अभी रूफटॉप की बात कर रहे हैं कैप्टिव पावर प्लांट्स की, तो कोई ऑफिस है, कोई इंडस्ट्री है, घर है, रेजिडेंशियल कॉलोनी है, इंस्टीट्यूशन है, पार्क्स हैं, वेरियस प्लेसेस पे जब सोलर इंस्टॉल हो जाता है सिस्टम तो वहाँ की जो कैप्टिव रिक्वायरमेंट है पावर की वो फुलफिल होती है। तो आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वहाँ पे, चाहे वो मशीन चला रहे हों, चाहे वो लाइट चला रहे हों, चाहे एसी चला रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, यूएनडीपी और यूनिडो ने काफ़ी स्ट्रांगली पुश करा हुआ है, थोड़ा इनिशियल इनर्शिया आ रहा है, टाइम लग रहा है, लेकिन पीपल आर एक्सेप्टिंग इट। हम बड़ी तेज़ी से हम सीधे ग्लोबल टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं इस पर, तो ये एक एडवांटेज है। मैं यहाँ की भी एग्जाम्पल की बात करूँगा और अगर मैं सोलर पैनल्स की बात करता हूँ तो दो लिमिटेशन होती हैं। एक लिमिटेशन होती है कि आपका जो पैनल है इस पैनल का निकलने का डर रहता है, और दूसरा स्ट्रक्चर जहां पे आपने ग्राउंड से उसको लगाया है, ग्राउंड करा है या आरसीसी से टाइट करा है, वहां से निकलने का डर रहता है। तो इस दोनों के लिए नेचुरली आप चाहे ये पैनल्स हो चाहे यहाँ पे ये पैराबोलिक ट्रॉफ हो, इसको जब आप स्ट्रक्चर पे इंस्टॉल करते हैं तो यू इंस्टॉल इट विद मल्टीपल पॉइंट्स एंड स्ट्रेंथन इट। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जैसे कहते हैं ना कि आप जब वॉक कर रहे हैं या रन कर रहे हैं तो अगर आपने प्रॉपर फुटवियर नहीं पहन रखा है तो अगर या आपके एडी पे नहीं आया जोर तो घुटने पे आएगा, घुटने पे नहीं आया तो हिप पे आएगा। इसी तरह यहाँ है, अगर हमने वो स्ट्रेंथन कर लिया तो वहां से तो प्रेशर पास हो गया स्ट्रक्चर पे, लेकिन फिर उसके बाद वो ग्राउंड पे आएगा, तो ग्राउंड पे हम उसको ग्राउंड करते हैं बहुत स्ट्रांगली और उसके ऊपर आरसीसी के पिलर से उसको फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड है दैट वी हैव टू मीट इज 100, आर स्ट्रक्चर शुड बी एबल टू टेक विंड स्पीड्स ऑफ अप टू 150 किलोमीटर पर आवर। तो ये वो विंड स्पीड्स हैं जो शायद सालों में या टेंस ऑफ ईयर डिकेड्स में शायद एक बार या दो बार ऐसे स्टॉर्म्स आते हैं, तो दे आर डिजाइंड फॉर दैट विंड स्पीड्स। द वेरियस टेक्नोलॉजीज जब हम लेते हैं, चाहे वो लिथियम आयन ले लें, चाहे हम लाइफ पो ले लें, चाहे एल्यूमिनियम आयन ले लें, चाहे वो देर इज दिस मैग्नीशियम बेस्ड ऑल्सो बैटरीज, चाहे हम फ्यूल सेल लें,
हर एक की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं इन टर्म्स ऑफ क्या उनकी डिस्चार्ज रेट है, क्या उनकी स्टोरेज कैपेसिटी है, क्या उनकी एफिशिएंसी है, उससे डिपेंडेंट द वेरियस एप्लीकेशंस दे आर बीइंग डेवलप्ड। अब जैसे लिथियम आयन है, लिथियम आयन बहुत आपका जो डिस्चार्ज रेट है वो बहुत हाई हो सकता है, लेकिन उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लो है। लेड एसिड की हाई है, इसी वजह से जो आपका एक्चुअली हम लोगों ने यही सोचा था कि जिस दिन लिथियम आयन बैटरीज इंडिया में आएंगी एकदम खत्म हो जाएगी लेड एसिड। लेड एसिड खत्म नहीं हो रही, वो इसलिए खत्म नहीं हो रही है क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज की स्टोरेज कैपेसिटी और एफिशिएंसी उतनी हाई नहीं है, बट दे हैव गॉट अ वन ऑफ द बिगेस्ट चांसेस, दे डू इट वेरी क्विकली। सो मैं यही कहूंगा एज ऑफ नाउ द दिस फ्यूचर टेक्नोलॉजीज आर फार अवे फ्रॉम इंडिया, प्रोबेबली 3 to 4 years। देयर आर सम एप्लीकेशंस लाइक वी आर वर्किंग विद रिलायंस जियो फॉर देयर टावर्स, और हम उनके लिए बहुत ही एक डिफरेंट फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। उस फॉर्मेट में दे आर यूजिंग लिथियम आयन बैटरीज विद देम, दे आर स्मार्ट बैटरीज, उनके आप उन बैटरीज के लिथियम आयन बैटरीज पे ही आपका एक माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड यूनिट लगा हुआ है, जिससे कि बैटरी किस रेट पे चार्ज हो, डिस्चार्ज हो, यूज हो, वो बैटरी के ऊपर का वो जो बोर्ड है वो खुद ही डिसाइड करता है। सो देर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन इन विच अ लार्जर स्केल स्टोरेज सोल्यूशन आर कमिंग इन, एडवांस टेक्नोलॉजीज आर कमिंग इन, बट इन जनरल दे आर फार अवे, एंड देयर फॉर अ बेटर वे दैट इट हैज बीन फाउंड फॉर लार्जर प्लांट्स इज टू गो फॉर अ ग्रिड कनेक्टेड और एट मैक्सिमम अ मिनिमम बैटरी हाइब्रिड सिस्टम। थैंक यू।